पोनी फेस्टिवल, फिश फेस्टिवल, बहुत गजब का फेस्टिवल होता है। नज़ारे मैं आपको दिखाता हूँ। सर कुछ बताएंगे फेस्टिवल के बारे में? फेस्टिवल में यहाँ पे हर एक टाइप का यहाँ पे फिश अवेलेबल है हमारे यहाँ पे, और सब हमारे जैसे कोली स्टाइल में, जैसे कोली टेस्ट इज प्योर टेस्ट। हम किसी भी संस्कृति में कहीं भी जाते हैं, हर ट्रेडिशन में उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हम अभी कोली समाज के फेस्टिवल के अंदर है, फिश फेस्टिवल है, और हमें ये सर बताएंगे कि कैसा फेस्टिवल है, क्या क्या यहाँ पे होता है। और जैसे आप देख सकते हैं इन्होंने अपने आप को कैरी वैसे किया हुआ है। अच्छा, दूसरा हम जहाँ पे भी जाते हैं, लाइक जैसे मैदानी एरियो पे जाते हैं तो फूड हमारा अलग होता है, लेकिन हम समुद्र के दरिया के किनारे होते हैं तो हम सी फूड को ही प्रेफर करते हैं। और यहाँ के कल्चर में सबसे खासियत है कि यहाँ आप ड्रिंक पी सकते हैं, यहाँ पे अल्कोहल अलाउ है। तो मेरी जितने खास दोस्त हैं वो इस फेस्टिवल को और अच्छे से इन्जॉय कर सकते हैं। सर आप क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ पे आए, इन्जॉय कीजिए, और यहाँ पे हमारे कोई भी ऐसी कोई भी बंदिश नहीं है। आप यहाँ पे आके मन मतलब पूरा फन फेस्टिवल है। पूरा खाएं पिए एंजॉय करें, फिश का एंजॉय कीजिएगा। इट्स ऑल ओवर फिश। थैंक यू, शुक्रिया सर। सैल्यूट सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को, और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। दोस्तों पन्नो जो है अभी एकदम रेडी है, लेकिन उससे पहले आज अभी 3:15 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं वेट कर रहा हूँ। एक कुरियर मैंने मंगाया है, और वो कुरियर में जो मेरा स्टैंड है, अगर वो दूसरा वाला स्टैंड फिट हो जाता है तो होपफुली हो जाए, मतलब फिट तो हो जाएगा, लेकिन जो ग्रिप चाहिए वो ग्रिप मिल जाए। तो अगर वो ग्रिप मिल गई तो फिर मैं बाइसिकल से निकल जाऊँगा दोबारा, और अगर वो चीज़ नहीं हो पाई तो एक अच्छी खबर भी है कि बन्नो एकदम रेडी है। तो फिर या तो फिर ऐसा लगेगा जैसे अभी मेरा 20-22 दिन 25 दिन का वहाँ पहुँचने का प्लानिंग था,
और अगर मैं बाइसिकल से नहीं निकल पाया, चांस है कि निकलूंगा, क्योंकि मैं दूसरा जो मैंने मंगवाया है स्टैंड, वो भी बहुत सोच समझ के मंगवाया है और 4-5 दिन से मैं उसका वेट कर रहा हूँ। मैंने व्लॉगिंग भी इसीलिए ज़्यादा नहीं की क्योंकि मैं मतलब चाहता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी मुझे देखते हैं लोग, मैं कोशिश ऐसी करूँ कि वो कुछ हो पाए, हेल्पफुली अच्छे से अच्छा काम हो जाए। ये टायर इससे अड़ रहा है और अगर इसको दूर भी करता हूँ लेकिन थोड़ी देर में आ जाता है। जैसा कि आपने देखा शायद, वो वेट ज़्यादा होने की वजह से वन साइड एक तरफ पहिया जो है वो स्टैंड से टच कर रहा है और इस वजह से अभी मैं वापस जा रहा हूँ घर अपने और देखता हूँ स्टैंड का क्या हो सकता है। उसके बाद राइड को रीस्टार्ट करूँगा, क्या क्या ऑप्शन हो सकता है वो मैं आपको अपडेट करूँगा। इनकेस अगर नहीं हुआ तो फिर मैं 26 जनवरी के दिन निकलूँगा बन्नो से। और शायद आपको याद भी होगा कि जब मैंने अपना पहला राइड किया था, जो मैंने डॉक्यूमेंट किया था, जो मैंने शूट किया था, वो 26 जनवरी 2017 का मेरा पहला राइड है, जिसमें मैं हिमालयन बाइक से, जिसका नाम मैंने हिमू रखा था, हिमू के साथ में मैं गया था 26 जनवरी 2017 को मुंबई से लेके आसाम, नॉर्थ ईस्ट गया था पूरा, लेकिन वो बाइक की वजह से नहीं था। लेकिन मैंने सिक्किम उसमें बहुत अच्छा कवर किया। सिक्किम वो राइड था जो मेरी लाइफ चेंजिंग राइड में से एक राइड है, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी और जिसने मतलब मेरा काम, सोचने समझने का नज़रिया, सारी चीज़ें बदल के रख दी। हाँ, अभी इन दिनों मैं क्या कर रहा हूँ तो वही बात है। अभी इन दिनों मैंने जो भी मेरे आगे के जो राइड कैलेंडर मैंने बनाया हुआ है, तो जो भी मेरे राइड्स हैं उनकी मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना ली है और जो जो बुकिंग आती जा रही है उनके नंबर और नाम मैं उसके अंदर ऐड करता चला जा रहा हूँ। तो जितने भी लोग मेरे साथ राइड करना चाहते हैं, फ़कीरा के साथ में राइड करना चाहते हैं, और चाहे वो सिक्किम हो, जो अभी मार्च के अंदर बैच है सिक्किम में, दोस्तों ज़्यादा लंबा बैच लेके नहीं जाऊँगा, 50-60 लोगों के आसपास का बैच होगा। और 50 से ज़्यादा इसलिए लेके नहीं जा रहा हूँ कि सिक्किम मैं भी मतलब बैच लेके पहली बार जा रहा हूँ। लद्दाख तो मैं कितना भी बड़ा बैच लेके जा सकता हूँ, लेकिन सिक्किम के लिए एक ही सिक्किम का मैं लिमिटेड बैच रख रहा हूँ। उसमें बुकिंग हो चुकी है तो जिनको कराना है ना, थोड़ा जल्दी करके फ्री हो जाओ तो मैं भी फ्री हो जाऊँगा, आप लोग भी फ्री हो जाओगे और फिर हम आगे का राइड का जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर देंगे। ब्रॉडकास्ट मैसेज के अंदर मैं आपको रेगुलर राइड से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो अपडेट करता रहूँगा कि क्या क्या आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको अपने आपको मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, तो जो भी चीज़ें होंगी वो उसमें मैं गाइड करता चला जाऊँगा। कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी वो स्टैंड मेरा लग जाए तो फिर मैं बाइसिकल से निकल जाऊं, अदरवाइज बन्नो जो है फिर आपको बन्नो और फकीरा देखने को दोबारा मिलेंगे। तो फिर देखते हैं क्या होता है। कल संडे था तो मैं यहाँ पे 3 दिन का फेस्टिवल था, मेरे पास में ही था वर्सोवा में, फिश फेस्टिवल था और कोली लोगों का फेस्टिवल था, बहुत ही गजब का वहाँ पे सी फूड का प्रेजेंटेशन था, सी फूड से रिलेटेड मतलब बहुत ज़्यादा वेराइटीज वहाँ पे थी, तो वो मैंने शूट किया है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो एग्जैक्टली क्या है। वहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि वहाँ पे आप ड्रिंक पी सकते हो, मतलब वहाँ ड्रिंक उनके कल्चर में आती है, जैसे होता है ना हर चीज़ का एक एरिया होता है, तो वो जैसे मैदानी इलाकों में आप फिश नहीं खाओगे, मैदानी इलाकों में लोग अगर नॉनवेज वाले खाते हैं तो चिकन वगैरह ज़्यादा खाते हैं, या अगर आप यहाँ पे आ जाओगे दरिया किनारे या सागर किनारे कहीं आ जाओगे, समुद्र किनारे आ जाओगे, तो आपको चिकन वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर आप यहाँ पे सी फूड ज़्यादा प्रेफर करोगे। तो ये सी फूड वाले कल्चर में ड्रिंक होती है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ओपन है। जैसे गोवा का जो फील है, गोवा की जो वो है कल्चर है, उसके अंदर शराब को कुछ भी गलत नहीं माना गया है, एक्चुअली गलत होती नहीं है, लोग कुछ पी के ज़्यादा गलत कर लेते हैं, लेकिन ये यहाँ के कल्चर में आता है। Thank you.
आज मैं आपको यारी रोड की एक ऐसी लोकेशन दिखाता हूँ, पीछे है अरबाज का शॉप। अभी शॉप में क्या खासियत है आपको पता है, मैं घूमता बहुत हूँ, ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो मुझे चाय की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने अपने घर के पास में एक चाय की दुकान ढूंढी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी चाय की खासियत क्या है। इसके अंदर ये कुल्हड़ है जो कोयले के ऊपर गर्म हो रहे हैं। अभी आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ आपको। अभी चाय की गर्मी से बॉयल हो रहा है। चाय की गर्मी प्लस जो रेड जो उसको रेड जो कोयले की राख है उसके साथ में फ्लेम जो आ रहा है ऊपर से, आपको मिट्टी की स्मेल आ रही होगी। करेक्ट, हाँ वेरी गुड। ये उसका ऑफिशियल जो फ्लेवर है इससे, फिर इसके बाद उसको इसके अंदर सर्व किया जाता है। फिर इसके अंदर थोड़ी सी ठंडक रहती है, जैसे आप अगर कभी पियोगे तो एकदम आपको गर्मी जैसा एकदम वार्म नहीं लगेगा। okay. थोड़ा ये इसको ठंडा कर देगा, बिकॉज ये मिट्टी का काम करता है। okay. और इसके अंदर जो फ्लेवर्स रहते हैं ज़ाफ़रान, इलायची वगैरह, वो उसका ये ऑथेंटिक टेस्ट देती है। और सी फूड से रिलेटेड जितने मतलब फूड की जो टेस्टी होता है ना, जिनके टंग पे टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहता है, वो बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, बहुत मज़ा आया। और दूसरा इसमें एक खासियत और थी, इसमें जो घर की लेडीज़ हैं, जो महिलाएँ हैं, वो ज़्यादा काम कर रही थी। मतलब जो मैंने स्टॉल्स देखे उस पर फीमेल की जो प्रेजेंस थी वो ज़्यादा थी। मतलब जो ऐसा नहीं है कि मेन ओरिएंटेड सोसाइटी है, वुमेन वहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर रही थी और बहुत ही गजब को देखने लायक नज़ारा था। काफ़ी लोग थे, सब कुछ इन्जॉय कर रहे थे। मुंबई में पिछले हफ्ते थोड़ा सा ठंड की लहर चली है। मतलब मानना पड़ेगा कि जब पूरे मतलब इंडिया में हिंदुस्तान में मतलब सर्दी का लहर कम हो गया है, तो यहाँ पे पिछले हफ्ते थोड़ा ठंडा था, अभी भी एक दो दिन से थोड़ा ठंड है। और बहुत मज़ा आता है कि मतलब आपको जैकेट वैकेट पहनने में अच्छा लगता है। तो बस ये जो हमारा फील था ये भी एक हफ्ते का था, और वो हो लगता है हो गया। अब दोबारा वही रेगुलर जो सीजन है वो शुरू होने वाला है। और लेकिन ये अच्छा है कि उससे पहले जैसे मैं राइडर हूँ तो मैं कभी भी कहीं भी निकल सकता हूँ, और मैं पूरी प्लानिंग में हूँ यहाँ से अब नेपाल निकलने के लिए। तो नेपाल के जितने भी मेरे सब्सक्राइबर मेरे दोस्त हैं, तो दोस्तों तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ नेपाल आपसे मिलने के लिए बहुत ही जल्दी। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल बी नेचुरल।